अत्याचारी कानून है, भाव नहीं तय कर सकते वो अपनी वस्तु का। किसानों को अपनी वस्तु का भाव तय करने का अधिकार देना ही पड़ेगा, क्योंकि सड़क पे बैठा हुआ जो जूता बनाने वाला कर्मचारी है ना, कारीगर, वो अपने जूते का भाव तय कर लेता है, तो 77 करोड़ किसानों को भाव तय करने का अधिकार क्यों नहीं होना चाहिए? और किसान को मालूम है कितनी मेहनत लगती है, कितना हिम्मत लगती है खेती करने में, शहर वाले को क्या मालूम? तो भाव तय करने का अधिकार तो किसान को मिलना ही चाहिए। और अगर वो भाव ज्यादा लगता है सरकार को कि नहीं नहीं किसान का गेहूं, मैं तो कहता हूं 50 रुपए किलो गेहूं बिकना चाहिए, 55 रुपए किलो कपास बिकनी चाहिए, 45 रुपए किलो धान बिकना चाहिए, तो सरकार को लगता है ये भाव ज्यादा है, तो सरकार ऐसा करे किसानों को भाव देकर वो सस्ती चीजें दूसरों को बेचे। सरकार के पास टैक्स के बहुतरे पैसे हमने दे रखे हैं, किसान से खरीदे 50 रुपए किलो गेहूं और गरीब आदमी को बेचना है 15 रुपए किलो, तो 35 रुपए किलो की सब्सिडी दे दे सरकार। टैक्स का हमने बहुतेरा पैसा दे रखा है 20 लाख करोड़ का, उसमें से दे सरकार। तो आप बोलेंगे वो पैसे नहीं निकले, तो मैंने उसका हिसाब निकाल रखा, वो पैसे निकल आएंगे। कैसे निकल आएंगे? राष्ट्रपति से लेकर और आखिरी कर्मचारी जो है ना चतुर्थ क्लास का, सबकी तनख्वाहें कम कर दो, सब्सिडी के पैसे उसमें से निकल आएंगे। राष्ट्रपति को साल में 27 करोड़ रुपए खर्च करने को मिलता है, क्यों मिलना चाहिए? राष्ट्रपति है, कोई भगवान तो नहीं है ना। एक साल में 27 करोड़ खर्च करे राष्ट्रपति, और यहां एक आदमी को एक दिन में खर्च करने को 20 रुपए ना मिले, राष्ट्रपति को एक दिन में खर्च करने को 7.5 लाख रुपए मिले, ये कौन सा देश चला रहे हम? राष्ट्रपति तो हमारे वोटों से चुना जाता है ना, मालिक तो हम है, नौकर तो वो है, और नौकर को हर दिन 7.5 लाख रुपए मिलते हैं खर्च करने को, और जो मालिक है देश का उसको 20 रुपए नहीं मिलते रोज खर्च करने को। ऐसा अत्याचार तो नहीं चलने देंगे इस देश में। हमारी तो योजना है कि राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, राज्यपाल हो, इन सब लोगों को देश की सेवा फोकट में करनी होगी, तब तो राजनीति में आओ, नहीं तो अपने घर बैठो। ये तनखा लेके टीएडीए एचआरए लेके भारत माता की सेवा होती है क्या? ये सब नेता आते हैं हमारे सामने, कहते हैं हमको देश की सेवा का एक मौका दो, ऐसे ही कहते हैं ना, देश की सेवा करनी है एक मौका दो, भारत माता की सेवा करनी है एक मौका दो। अपनी मैया की सेवा करने के लिए कोई तनखा मांगता है? आप अपने घर में अपनी माँ की सेवा करते हैं, मान लो पैर दबाते हैं अपनी माँ के, तो अपनी अम्मा से कहते हैं आप टीए दे दे, मेरा बीए दे दे, सैलरी दे दे मुझको, और हर साल बढ़ा के दे क्योंकि मैं पांव दबा रहा हूं। अपनी माँ की सेवा करने में कोई तनख्वाह मांगे उससे ज्यादा फालतू फिजूल कोई आदमी नहीं है। और ये भारत माता की सेवा कर रहे हैं और पैसे मांगते हैं टीएडीए एचआरए। इन बेईमान नेताओं से पूछो कि भगत सिंह, उधम सिंह, चंद्रशेखर ने कौन सा टीएडीए लिया था देश की आजादी लाने के लिए, कितनी तनख्वाह मांगी थी उन्होंने? उन्होंने तो अपनी जवानी लगा दी इस देश के लिए। अगर वो अपनी जवानी लगा सकते हैं देश के लिए, तो आजादी के बाद के नेताओं को सेवा करने के लिए तनख्वाह क्यों चाहिए, टीएडीए क्यों चाहिए? मैंने एक दिन हिसाब निकाला, राष्ट्रपति से और नीचे कर्मचारी की सारी तनख्वाहें खत्म कर दो, 77 हजार करोड़ रुपए बचेगा, उतने पैसे में किसान का गेहूं 50 रुपए किलो बिक जाएगा आराम से। एक दिन एक नेता कहने लगा, राजीव भाई आप तो बड़े खतरनाक आदमी हो, सबकी तनख्वाह टीएडीए खत्म करोगे? मैंने कहा हाँ करना ही है, क्योंकि राजनीति कोई धंधा थोड़ी है, व्यवसाय थोड़ी है, ये तो सेवा का काम। आपके गांव में कोई मंदिर है मान लो, मंदिर की सेवा करो तो पैसे लेते हो क्या? क्यों लेंगे पैसे भाई, देश की सेवा करनी है, माता की सेवा करनी। तो कहते हैं जी हमारा भी तो पेट है, खाना खाना। मैंने कहा खाने की व्यवस्था हम करेंगे, चिंता क्यों कर रहे, भूखे नहीं मरने देंगे तुम संसद में जाओगे, देश की सेवा करोगे तो तुम्हारे भोजन पानी की व्यवस्था हम करेंगे। कहने लगे कहाँ करोगे? मैंने कहा संसद के पीछे बहुत बड़ा गुरुद्वारा चलता है, मालूम है ना आपको, बिल्कुल संसद के पीछे गुरुद्वारा है और 24 घंटे लंगर है वहां, और बढ़िया लंगर है, मैंने खाया है कई बार, रोटी मिलती है बहुत अच्छी, दाल मिलती है, सब्जी मिलती है, बहुत स्वादिष्ट है,
और कभी कभी दही भी मिल जाता है, और हलवा तो देसी घी का हमेशा ही मिलता है वहाँ। तो लंगर में खिलाएंगे सबको, 543 सांसद लोकसभा के, 250 राज्यसभा के, 850 लोगों का लंगर चलेगा। दिक्कत क्या है? कहने लगे ये विधानसभा के एमएलए तो सब विधानसभाओं के आसपास एक एक गुरुद्वारा खुल जाएगा, सब विधानसभाओं के नजदीक लंगर चलेगा, क्या मुश्किल है? सरदार अभी इतने गरीब नहीं हो गए इस देश में, जो गांव गांव गुरुद्वारा खोल सकते हैं वो विधानसभाओं के नजदीक भी गुरुद्वारा खुल जाए, वहां भी मिलेगा सबको भोजन पानी, तो सबको मिलेगा, भूखा कोई नहीं मरेगा। फिर कहने लगे जी की कपड़े भी चाहिए, मैंने कहा कपड़े भी दिलवाएंगे, भारत में करोड़ों किसान कपास पैदा करते हैं, उनसे कपास भांगेंगे भीख में और उस कपास से कपड़े बनवा के दे देंगे सबको, कपड़े भी मिल जाएंगे, और बाकी तो सब मुफ्त में मिलता ही है। आपको मालूम है रेल यात्रा फ्री है सब नेताओं की, हवाई जहाज यात्रा फ्री है सब नेताओं की, बस की यात्रा फ्री है सब नेताओं की, घर फोकट में मिलता है सबको, बिजली फोकट में मिलती है, पानी फोकट में मिलता है, टेलीफोन फोकट में मिलता है, ये तो सब फोकट में मिला ही हुआ है, खाना और कपड़ा ये दिलवा देंगे उनको, फिर तनख्वाह किसके लिए चाहिए? और जिनको तनख्वाह चाहिए वो अपने घर में बैठे अपना धंधा करें, बिजनेस करें, पैसे कमाएं, ये राजनीति पैसे कमाने के लिए थोड़ी है। इस राजनीति को देश के लोगों ने खून से सींचा है भाई साहब, भगत सिंह का खून लगा है, उधम सिंह का खून लगा है, लाला लाजपत राय ने खून दिया है, 732,780 क्रांतिवीरों ने खून दिया है इस राजनीति को सींचने के लिए, कोई धंधे के लिए नहीं है, बिजनेस के लिए नहीं है। राजनीति ऐसी बनाएंगे, और संसद और विधानसभाओं में ऐसे ही लोगों को चुनकर लेके जाएंगे जिनको तनख्वाह नहीं लेनी है, टीएडीए नहीं लेना है, एचआरए नहीं लेना, जो भी पैसा है वो किसानों के लिए है, गरीबों के लिए है, अनाथों के लिए है, उनके लिए पैसा है। ऐसा देश बनाना है, ऐसे कानून बनाने हैं।